नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय बीरवाय। मैं विवेकानंद जाधव। आज बाढ़ कोर्ट ने पुलिस की दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए दो दिन की रिमांड की बात पुलिस की मान ली और अनंत सिंह को दो दिन के लिए रिमांड पर पुलिस के हाथ सौंपने का आदेश पारित हो गया। अब अनंत सिंह से दो दिन तक पुलिस वाले थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं है, वह जनप्रतिनिधि है, चुने हुए विधायक हैं, इसलिए पूछताछ की भी एक सीमा रेखा होगी और अनंत सिंह से कई सवाल लिपि सिंह को करनी है। अब कई सवालों की जानकारी लेने के बाद ही अनंत सिंह को 48 घंटे की अवधि के अंदर वकील साहब को भी मिलने की बात कही गई है कि 24 घंटे में एक बार वकील साहब मिल सकते हैं अनंत सिंह से, 48 घंटे में दो बार अनंत सिंह से वकील साहब मिल सकते हैं। वकील साहब ने अर्जी दाखिल कर कहा कि जो पुलिस पूछताछ करे उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और साथ ही साथ वकील के सामने पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन इन बातों को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनंत सिंह के वकील साहब 24 घंटा में एक बार मुलाकात कर सकते हैं, दो दिन 48 घंटा मतलब दो घंटा दो बार मुलाकात करने की छूट दी गई और पुलिस के सामने कई लंबे लंबे लिस्ट पड़े हुए हैं जिस लिस्ट के पुष्टि के लिए अनंत सिंह से पूछताछ करनी है। कल इस विषय में अर्जी पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी, लेकिन कल फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और आज दोपहर बाद कोर्ट ने दो दिन का रिमांड मंजूर किया। अब पुलिस बेऊर जेल पटना जाकर दो दिन का रिमांड के आदेश के अनुसार अनंत सिंह को वहां से रिसीव करेंगे और पूछताछ करने के बाद फिर उसी तरह कोर्ट के माध्यम से बेऊर जेल पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, अनंत सिंह को चारों तरफ से घेरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और अनंत सिंह से कई प्रकार की पूछताछ करनी पुलिस की अभी बाकी है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।